लीकेज होता है, निकालने के लिए लीकेज होता है। हाँ ठीक, हाँ चलाने के लिए पूरा निकालना। माननीय मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 50 स्कूलों में आपदा राहत और आपदाओं के विषय में, और आपदाएं कितनी तरह की होती हैं, आपदाओं में किस तरीके से हमको अपने को सुरक्षित बचाना है, आग लगने के बाद क्या करना है, किस तरीके के इमरजेंसी सेवाओं को सूचना देना है के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया गया, जिसमें स्कूल के अध्यापक, बच्चे और रसोई बनाने वाली जो भी महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की हैं, सबको बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दिया गया। और ट्रेनिंग के बाद दिए गए ट्रेनिंग के अनुसार उसका मॉक ड्रिल कराई गई, इक्वेशन ड्रिल कराई गई कि जो बच्चे थ्योरेटिकल क्लास किए हैं वो प्रैक्टिकल करके, और किसी भी अग्नि दुर्घटना या किसी भी इस तरीके की विषम परिस्थितियों में लोगों को किस तरीके से वो बचाएं, इसका संदेश बच्चों को दिया गया। और बच्चे और अध्यापक दोनों से एक अपेक्षा भी की गई कि वो अपने घर परिवार या दोस्त में भी इसकी चर्चा करें और लोगों के अंदर सुरक्षित रहने का एक इथिकल सेंस विकसित करें और लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और अपने संस्कृति में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करें और अपने दिनचर्या में सुरक्षा के अभ्यास को करें, ताकि कभी भी कोई आपदा आए उससे अपने को बचा सकें, अपने परिजन को बचा सकें और समाज को सुरक्षित रखने में हम सभी इस तरीके की एजेंसियां जो आकस्मिक सेवा में काम करती है उसकी मदद करें। सर रेडी, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम की जो कार्यदायी संस्था है टाइम सेंटर द्वारा इसमें विशेष पहल किया गया, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके